नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं जंतर मंतर पे और हमारे साथ हैं अशोक अज्ञानी जी, जो समाज की और बहुजन समाज की मूवमेंट्स की बहुत तेज़ी से बातों को आगे बढ़ाते हैं। अशोक जी, आपका हमारे चैनल में पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। क्या कारण है कि बहुजन समाज के जितने भी अधिकार होते हैं उनको अधिकतर छीना जाता है? ये सैकड़ों सालों से चलता हुआ आ रहा है और अभी लेबर लॉ के ऊपर जो चल रहा है उसके ऊपर क्या है आपका दृष्टिकोण? देखिए, आज जो सवाल पैदा हुआ है आज की डेट में, जो संसद में इन्होंने अमेंडमेंट किया श्रम सुधार के नाम पर, ये कह रहे हैं कि जो अंग्रेज़ों के समय के कानून हैं उनको बदलेंगे। और अंग्रेज़ों के समय के कौन से कानून हैं? जो लेबर लॉ जो बाबा साहब ने जिसमें बनाने में बड़ी मदद की थी, 1942 से लेकर के 1948 तक जो सबसे महत्वपूर्ण कानून बाबा साहब ने बनाया इस देश में, मिनिमम वेज एक्ट 1948 बनाया, आईडी एक्ट 1947 बनाया, फैक्ट्रीज एक्ट बनाया, कोयला मजदूरों के लिए महिलाओं के लिए कानून बनाया, इंश्योरेंस एक्ट बनाया, ये तमाम इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एक्ट बनाए, ये तमाम कानून बाबा साहब ने बनाने में मदद की इस देश में। और जो 1933 में जो एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट बना था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका बनाई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि जिस समय इस देश का मजदूर वर्ग जो लड़ रहा था, मजदूर वर्ग में आप ये समझो कि इस देश का जो अनुसूचित जाति और जनजाति, खासतौर पर अनुसूचित जाति, जनजातियों के पास भी खेती बाड़ी कहीं कुछ कुछ है, मगर अनुसूचित जाति तो आज की डेट में भी मोर देन 95% वो कामगार हैं। कहीं कहीं पर अपनी मेहनत करते हैं, गांव देहातों में खेतों में काम करते हैं, शहरों में आ गए तो फैक्ट्री कारखानों में काम करते हैं, तो वो तो हैं ही कामगार। तो जो लेबर लॉ बाबा साहब ने बनाने में बड़ी मदद की थी, अंग्रेज़ों से छीन करके, अधिकार छीन के, जब मजदूर वहाँ लड़ रहा था अपने अधिकारों को, तो जो विदेशी शक्तियाँ थीं, अंग्रेज जिनको हम विदेशी कहते हैं, उनको भी ह्यूमन अधिकारों के, मानव अधिकारों को सामने रखते हुए उनको भी लगा कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी करनी चाहिए, इनको एक मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, इनको अगर नौकरी से गलत तरीके से हटाया जाए तो इनके लिए एक एक्ट होना चाहिए, इनको ओवरटाइम मिलना चाहिए 8 घंटे की ड्यूटी के बाद, इनको छुट्टी मिलनी चाहिए, इनको सालाना छुट्टी मिलनी चाहिए। ये तमाम कानून उस विदेशी सरकार ने हमारे आंदोलन करने के बाद मजदूरों के उनको देने पड़े, उनको मजबूर होना पड़ा उसके ऊपर। और आज जो मौजूदा सरकार अपने हम आप जिसको कि अपनी देश की सरकार कहते हैं, अपनी आज़ाद भारत की एक सरकार कहते हैं, संवैधानिक सरकार कहते हैं, और जिनको हम अपना लोग कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन मजदूरों को कोई अधिकार नहीं है मालिक से अपना बोनस मांगने का, मालिक से 8 घंटे की ड्यूटी अगर फालतू करवाए बिना पैसे के उसका विरोध करने का, मालिक से उससे तनख्वाह के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है, इनको छुट्टी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, इनको किसी भी तरह के सोशल सिक्योरिटी का, ESI, प्रोविडेंट फंड, किसी भी तरह के अधिकारों का। जो मालिक दे, जो मनुस्मृति में था कि जो मालिक दे, जो ऊपर के वर्ण, जो शूद्र था, शूद्र वहाँ वर्किंग क्लास है उसमें, कि जो सबकी मेहनत करता, सबके लिए काम करता है, मगर उनको बाकी 3 वर्णों से मांगने की, अपना अधिकार मांगने की इजाज़त नहीं थी कि भाई आप हमें मिनिमम वेजेस दे दो, हमारा मेहनताना दे दो, हमें रोटी भरपेट पेटी पेट के लायक, हमारे बच्चों के लायक, हमें शिक्षा के लायक पैसा दो। तो वो तमाम ये आधुनिक तरीके से उस मनुवाद को लागू कर रहे हैं कि मजदूरों को इतना दो कि जितना जिंदा रहें, और ये सोचना इनसे इतना काम कराओ दिन रात कि ये बिल्कुल सब सोच ना पाए अपने अधिकारों के बारे में, राजनीति के बारे में, राजसत्ता के बारे में। ये चंद लोग उसमें कब्जा करना चाहते हैं। और आज ये सबसे इतिहास का काला दिन है आज, कि ये जो 44 कानून इस देश के मेहनत करने वालों ने 1926 सबसे पहला जो इस देश के अंदर कानून बना 1926 में, ट्रेड यूनियन एक्ट, संगठन बनाने का, संस्थानों में यूनियन बनाने का मजदूरों का अधिकार अंग्रेज़ों को देना पड़ा था 1926 का पहला कानून, आज ये 2026 आने से पहले पहले, 100 साल होने से पहले पहले इन्होंने इस देश के मजदूर वर्ग का अधिकार छीन रहे हैं। और उन 44 कानूनों को जो मुख्य रीढ़ की हड्डी हैं, जिसमें वेजिस का एक हिस्सा है, एक अपने नौकरी का डिस्प्यूट का हिस्सा है, एक सोशल सिक्योरिटीज़ का हिस्सा है, वो तमाम उसको छोड़ करके 44 कानूनों को हटा के 4 आचार संहिता बना रहे हैं, आचार संहिता में। और दूसरा ट्रेड यूनियन का अधिकार जो चौथा था संगठन बनाने का, तो इनको चारों को इन्होंने करके ख़त्म कर दिया है। और आज हड़ताल करने का इनको अधिकार नहीं है, अंग्रेजी राज में हम हड़ताल कर सकते थे मगर आज अधिकार नहीं है। और दूसरी बात जो संविधान में भी है कि कोई अगर जागरूक व्यक्ति या संगठन में जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं, अगर वो मजदूर
मजदूरों को संगठित करके उनका अधिकार बताते हैं, उनके अधिकार के लिए लड़ने के लिए हड़ताल या कोई ऐसी चीज़ करवाते हैं, तो अब ये भी उसमें कर दिया है कि उन नेताओं के विरुद्ध 3 साल की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना इन्होंने रखा है। और जो मजदूर बिना 45 दिन के नोटिस में, अभी 14 दिन का नोटिस हुआ करता था कि सरकार को उसको देना संस्थान को अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो अब उनको अगर हड़ताल करनी है तो 45 दिन का नोटिस देना होगा, और उसमें भी वो सरकार, राज्य सरकार तय करेगी, वो कंसर्न गवर्नमेंट तय करेगी कि ये हड़ताल करें या नहीं करें, और अगर उन्होंने बिना परमिशन हड़ताल कर ली तो उनके विरुद्ध सजा 3-3 साल की और 50,000 रुपये का जुर्माना हर कर्मचारी के ऊपर रखा है। तो ये काले कानून ये बना रहे हैं, आज काला दिन है इस भारत के इतिहास में इस देश के मजदूर वर्ग के लिए। तो ये बड़ी अफसोसजनक घटना है कि ये सब तमाम किस दिशा में देश जा रहा है, मनुवाद की स्थिति को दोबारा ला रहे हैं। वो एक तरफ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, एक तरफ दलितों को पीट रहे हैं, एक तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, एक तरफ वो पशुओं को मार रहे हैं। अभी परसों मैंने देखा एक बाघिन को वो जानवरों की तरह लोग मार रहे हैं, मार मार के पीट पीट के मार दिया। तो मुझे याद आ गया तुलसीदास जी का वो दोहा, ढोल गवार पशु शूद्र पशु नारी, सब हैं ताड़न के अधिकारी। और आज देखने में वही लग रहा है, मेहनत करने वाला पिट रहा है, शूद्र पिट रहा है, दलित पिट रहा है, महिला पिट रही है, और पशुओं को तो ये मार ही रहे हैं बेरहमी के साथ। तो आज इस देश में मनुवाद का एक शुरुआत इन्होंने कर दी है, और उसके लिए जो इस देश के जो बाबा साहब के बच्चे हैं उनको आगे आकर के लड़ना होगा, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है कि इस देश के बहुमत ये श्रम लेबर लॉ बनाने में बाबा साहब का पूरा मेहनत है, पूरा दिमाग है, और उन्हीं की पहल के ऊपर अंग्रेजों से भी उन्होंने कानून बनवाए। तो ये सब तमाम चीज़ें, और आज हमें बड़ा दुख है इस बात का, और संघर्ष के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।